गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? विश्वास है आप अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन के टाइम का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं भी आज प्रेजेंट हूं आपके सामने एडिटोरियल रीडिंग के साथ। 29th मई है आज और हमारा सेशन नंबर है 28। और शुरू करते हैं अपना पहला सेशन, जो हमारा पहला सेगमेंट है, देख रहे होंगे करेंट टीचर्स कैन ओपन द डोर, यानी जो टीचर हैं वो आपके दरवाजे को खोल सकते हैं, बट यू मस्ट एंटर इट योर सेल्फ। लेकिन प्रवेश करने का कार्य जो है वो टीचर नहीं करेंगे, वो कौन करेंगे? आपको करना होगा। यानी जो टीचर है वो ज्ञान आपको दे सकते हैं, यही ना, टीचर्स जो हैं वो ज्ञान आपको दे सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा सफलता रूपी मार्ग पर चलने का जो रास्ता है वो किसको तय करना होगा? आपको तय करना होगा बच्चों, आपको यानी स्टूडेंट्स को तय करना होगा। तो हमेशा टीचर्स को एक ढाल बनाएं, अपनी ताकत बनाएं, लेकिन कार्य करने की जो भूमिका है उसे कन्वर्ट करने की जो भूमिका है वो आपको करनी होगी। निरंतर ऐसे प्रयास करते रहें, गॉड समिल ग्रैंड स्लो बट श्योर, और विश्वास करें ईश्वर के घर देर हो सकते लेकिन अंधेर नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये हमारा सरोनिम टेस्ट के नाम से जो हमारा MCQ है, आप देखें जल्दी से और बोलें कौन कौन से इसके आंसर्स होंगे। ये सारे वर्ड्स वही हैं जो हमने कल पढ़े हुए थे, ये बना ले, रूटीन बना ले। धीरे धीरे मैं ऐसा भी टाइम ले आऊंगा जहां और पहले के वर्ड्स इसमें शामिल किए जाएं ताकि पूरी तैयारी आपकी हो सके। तो डोमिनेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डोमिनेंट याद है आपको, डोमिनेंट प्रबल, प्रभावशाली, जो किसी को सबड्यू करना चाहता हो, उस पर अपना हक जमाना चाहता हो, वो डोमिनेंट होता है, क्योंकि वो डोमिनेट करना चाहता है। तो क्या हो जाएगा डोमिनेंट का? कंट्रोलिंग, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है, वो आप पे अपना प्रभाव, अपनी धाक जमाना चाहता है। तो डोमिनेंट का कंट्रोलिंग, यहां पे कंट्रोलिंग के बजाय अगर आप चाहते तो ये भी हो सकता था बच्चों, रूलिंग, यहां सिंगल एल रहेगा। क्वैगमायर, क्वैगमायर याद है आपको, क्वैगमायर मींस कोई दलदल, कोई मार्श, कोई बोग, कोई स्वैम्प, यही ना। लेकिन यहां पे जो क्वैगमायर का प्रयोग किया गया था वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन के रूप में यूज किया गया था, है ना, एक क्रिटिकल कंडीशन। तो क्वैगमायर का क्या हो जाएगा यहां पे? इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या होता है? उलझन, कोई परेशानी, जब आप कहीं पे एंटेंगल्ड हो जाते हैं, वहां फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो क्वैगमायर भी क्या है? एक दलदल है, उलझने का नाम है, फंसने का नाम है। तो क्वैगमायर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंटेंगलमेंट। होने के लिए और भी हो सकते थे, स्वैम्प भी हो सकता था, बोग भी हो सकता था, मार्स भी हो सकता था, ये सब भी हो सकते थे, मायर भी हो सकता था, ये भी। सारे वर्ड्स भी देखते जाइएगा बच्चों, ठीक है, जब आप जिसका PDF मिले तो सारे वर्ड्स अपनी डिक्शनरी से देखें, डिक्शनरी से देखेंगे तो आपकी अपनी प्रिपरेशन होती जाएगी। रेसेशन याद है आपको, रेसेशन जिसको एक देश इसका सामना करता है, फेस करता है इसको, रेसेशन क्या हो जाएगा बच्चों? रेसेशन डाउनटर्न हो जाएगा। डाउनटर्न मीन्स जब पतन की तरफ, गिरावट की तरफ जाए। तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था रिसेशन का शिकार होती है, मीन्स किसका शिकार होती है? वो मंदी की तरफ, क्योंकि अर्थव्यवस्था लुढ़क रही होती है, उसमें जो कहीं ना कहीं पतन की तरफ जा रही होती है। तो रिसेशन का मतलब डाउन टर्न, मीन्स कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ, पतन की तरफ जा रही है। एसर्बिक याद हो गया होगा, मैंने बोला था कल, एसर्ब से बना है, जो चीज एसर्बिक है वो चीज क्या है? बहुत तीखी है, बहुत सख्त, बहुत कठोर है। कोई लहजा किसी के बोलने का एसर्बिक है, तो वो लहजा क्या है उसका? स्कैथिंग है। क्या है? स्कैथिंग है, मीन्स कहीं कहीं उसमें कड़वाहट है, तीखापन है, कड़ाई है, ठीक है। तो एसर्बिक का हो जाएगा स्कैथिंग, तीखा, सख्त। अनसब्सटेंशिएट, अगर आप किसी चीज को सब्सटेंशिएट करते हैं तो आप उसका प्रमाण देते हैं, उसका आधार देते हैं, सबूत देते हैं। लेकिन अगर आप अनसब्सटेंशिएट करते हैं तो इसका प्रमाण नहीं दे पाते हैं आप, तो अनसब्सटेंशिएट को डी जोड़ देते हैं और बना देते हैं हम इसे एडजेक्टिव। तो अनसब्सटेंशिएटेड क्या हो जाएगा?
निराधार, जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई प्रमाण न हो, और जिसका कोई प्रमाण न हो, आधार न हो, वो क्या है? बेसलेस है, आधारहीन है। नेम कॉलिंग याद हो गया होगा, वर्ड पावर रटने का तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, लाइफ में यूज करें। अभी उसको क्यों नेम कॉलिंग करता है, ऐसे बोलेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मेरी अभी भी न चाहिएगा। नेम कॉलिंग क्या होता है? किसी के लिए अब्यूसिव, कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज, ऐसे ये लैंग्वेज होती ना बच्चों, अब्यूसिव लैंग्वेज या ऑफेंसिव, बुरी भाषा, गलत भाषा का प्रयोग जो होता है वो नेम कॉलिंग होता है। मीन्स ये स्लैंडर नहीं है, स्लैंडर मीन्स कोमल होता है। ये क्या है? ये स्लैंडर है, जिसके मीन्स अपमान करना, कलंकित करना होता है। तो नेम कॉलिंग का ये हो जाएगा स्लैंडर, ये ध्यान रखिएगा, ये स्लैंडर नहीं। ये स्लैंडर क्या होता है? सॉफ्ट के सेंस में होता है। ये स्लैंडर क्या होता है? अब्यूज करने के सेंस में, गाली देने के सेंस में होता है। आउटराइट याद है आपको, एक एडवर्ब के रूप में आपके लिए, तो आउटराइट का एडवर्ब के रूप में क्या हो जाएगा? आउटराइट याद है आपको, सीधे तौर पे, पूरे तौर पे, मींस पूरी तरह से होता है ना। दिस इज थॉरली, मींस कंप्लीटली, मींस एब्सोल्युटली। तो आउटराइट का क्या हो जाएगा? थॉरली। रिवर्ट, रिवर्ट, पुनः उसी तरफ आ जाना जहां से चले थे, यानी जो आपने पहले कहा था उसी तरीके की बात करना। तो रिवर्ट मीन्स अगर पुरानी चीजों की तरफ, पुरानी तरफ लौट के आना, अर्थात क्या करना, रिट्रोग्रेस करना, पुरानी चीजों की तरफ लौट करके जाना। इन द वेक ऑफ, याद कर लिए, काम आए गए। इन द वेक ऑफ क्या होता है? परिणाम स्वरूप, याद था आपको, इन द वेक ऑफ परिणाम स्वरूप। तो अगर इन द वेक ऑफ परिणाम स्वरूप होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, परिणाम स्वरूप। ये वोकैब का सेक्शन है आपका। पहला वर्ड है आपका स्वार्म, ये नाउन है आपका स्वार्म। बच्चों आप जानते होंगे ये स्वार्म जो है वास्तव में एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, देखें बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड आपने पढ़ा, ग्रुप, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा सीरीज, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा ट्रुप, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा कोई रेंज, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा कोई प्लैंटेन, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा कोई बैच, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा कोई स्क्वाड, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा कोई आर्मी, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा कोई हर्ड, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। आपने पढ़ा कोई, और ले लो बच्चों, फ्लाइट, कलेक्टिव नाउन है। आपने पढ़ा कोई फ्लीट, कलेक्टिव नाउन है। और याद करें बच्चों, जो कलेक्टिव नाउन्स के रूप में यूज़ करते हो आप, याद आ रहा आपको, जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, हर्ड हो गया, फ्लीट हो गया, फ्लाइट हो गया, प्लांटेन हो गया, रेंज हो गया, ट्रुप हो गया, सीरीज हो गया, ग्रुप हो गया, और यहाँ स्वार्म हो गया, आर्मी हो गया, ये बैच हो गया, स्क्वाड हो गया, ये सारी कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन्स मतलब जैसे स्क्वाड आपको लगाना है तो स्क्वाड ऑफ कोई बैच होता है ना बच्चों, जो जाँच करने के लिए आता है वो स्क्वाड होता है, बैच भी वही होता है आपका। आर्मी क्या होता है? जैसे एन आर्मी ऑफ एंट्स है ना, चींटियों की पूरी दल, जो सेना होती है वो एन आर्मी ऑफ एंट्स होती है। और देख लें, ग्रुप आप जानते हैं, कहीं यूज कर सकते हैं समूह के लिए। सीरीज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स होता है ना। ट्रुप क्या होता है? अ ट्रुप ऑफ व्हाट, आर्टिस्ट, सिंगर्स। रेंज क्या होता है? अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। प्लैंटेन क्या होता है? अ प्लैंटेन ऑफ बनानास। हर्ड क्या होता है? अ हर्ड ऑफ कैटल। ऐसे यूज करते हैं आप ना, और भी सारे जो सिनोनिम्स और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उन्हें भी आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं।
एक मिनट बस, ये हटा दिया मैंने। इसके अलावा जैसे ही अगर आपको पायलट्स या सेलर्स के लिए लगाना है तो याद है आपको क्रू लगाते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको रॉबर्स के लिए, डकायत्स के लिए, थीव्स के लिए लगाना है तो क्या लगाते हैं आप? गैंग लगाते हैं आप। ये सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। वैसे ही स्वार्म भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ स्वार्म ऑफ एंट्स, है ना। ऐसे ही अगर आपको मधुमक्खियों के लिए लगाना है तो क्या लगाते हैं आप? हाइव। अ हाइव ऑफ बीज, ऐसे होता है ना। तो स्वार्म है वही आपका। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर थिंग्स, समझ रहे होंगे आप। बेबी, बेबी किसके लिए लगाते हैं बच्चों? अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को दिखाना है तो अ बेबी ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। फ्लॉक क्या होता है? अ फ्लॉक ऑफ शीप, है ना। यानी फ्लॉक किसके लिए यूज करते हैं? शीप के लिए, एलिफेंट्स के लिए यूज करते हैं। हर्ड कैटल के लिए हो सकता है, लायंस के लिए भी आप यूज करते हैं। क्राउड पीपल के लिए यूज करते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल। तो ये सारी कलेक्टिव नाउन्स जो तैयार करिएगा, एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में रेगुलरली दिए जाते हैं। तो स्वार्म मीन्स कोई झुंड, कोई समूह, कोई दल किसी चीज का, ये स्वार्म है आपका। नेक्स्ट वर्ड है बैटर्ड, जो इसमें ईडी जोड़ करके एडजेक्टिव बनाया गया। मेन वर्ड है बैटर। बैटर मीन्स चोटिल करना, किसी को घायल करना। तो बैटर्ड जो चोटिल है, घायल है, अर्थात जो डैमेज्ड है, मीन्स क्या है? कहीं कहीं नुकसान पहुंचाया हुआ है। जो ब्रोकन डाउन है, मीन्स जैसे तोड़ दिया गया है, चोटिल किया गया है, या अगर इस सेंस में देखें तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। वाउंडेड है, मीन्स घायल है। तो बैटर्ड चोटिल या घायल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्परेट। डिस्परेट दो होता है बच्चों, एक आगे भी मैंने दिया तो मैं वहां भी आऊंगा, अभी हम पहले ये देखते हैं। ये डिस्परेट क्या होता है? जो कंट्रास्टिंग होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है, जो डिफरेंट है, अलग अलग है, जो डिससिमिलर है, असमान है, मीन समान नहीं है, अलग अलग चीजों से जो बना हुआ होता है वो डिस्परेट होता है। एडजेक्टिव के रूप में है आपका ये। तो असमान अर्थात अलग अलग चीजों से बना हुआ, मीन्स जो दे इनहैबिट डिस्परेट वर्ड्स ऑफ थॉट्स, वो अलग अलग विचारों की दुनिया में रहते हैं। तो कहीं भी डी आई एस से डिस्परेट, असमान, अलग अलग हो जाएगा। बेन आप शायद जानते होंगे, ये कर्स के रूप में होता है, होता नहीं ये आपका कर्श। तो बेन मीन्स एक प्रकार का शाप, कोई नाश जो हो वो बेन होता है, मीन्स एक तरह से स्कर्ज है, ये एक रुइन है, एक डिस्ट्रक्शन है, मीन्स एक प्रकार का नाश है, शाप है ये बेन। जैसे अ बेन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ये कृषि के लिए क्या है? एक प्रकार का शाप है। एंटीक्वेटेड किससे बना है बच्चों? एंटीक से। पहले ये देख लें, एक ये एंटीक है और एक ये एंटीक। ये जो ए एन टी आई सी होता है ना, इस एंटीक में सो विचित्र, अजीब होता है, लेकिन ए एन टी आई क्यू यू ई जो होता है एंटीक, इसके मीन्स पुराना होता है। इसी में आपने डी जोड़ दिया, एंटीकेटेड हो, क्या हो गया आपका ये पूरा एडजेक्टिव हो गया आपका ये। तो एंटीक्वेटेड मीन्स कोई चीज जो अप्रचलित है, प्राचीन है, पुरानी हो गई है, वो एंटीक्वेटेड होती है। मीन्स जो आउटडेटेड है, प्रचलन से बाहर है, आउटमोडेड है, प्रचलन से बाहर है, आर्केक है, प्रचलन से बाहर है, पुराना है, प्रिमिटिव है, पुराने ढंग का है, बहुत पहले का है। तो एंटीक्वेटेड कोई चीज है, मीन्स क्या है वो? प्राचीन है, पुराना है। लर्क, बच्चों आप इस समय के लोगों को समझते होंगे, आप उनके मन की बात नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में, उनकी आत्मा में तमाम एविल्स जो हैं वो लर्क किए रहती हैं, मीन्स घात लगाए बैठी होती हैं। तो लर्क मीन्स घात में बैठना। जैसे आप व्हाट नक्सलीज को समझते होंगे, ये अक्सर लर्क करते हैं, ये एम्बुश में बैठे होते हैं, घात लगाकर बैठे लर्क करते रहते हैं। तो लर्क मीन्स घात में होना, यानी इस शिकार में होना कि कैसे कोई आए और उस पर हमला कर दे, ये लर्क होता है। बुराइयां ऐसे ही लर्क करती हैं, मीन्स घात लगा के बैठी रहती हैं। तो लर्क करना मीन्स घात में होना, अर्थात इश्कल्क करना, छुप के बैठना, लॉयटर करना, इधर उधर मडराना, घूमना, हाइड करना, छिप के बैठना, लाई लो,
छिप के बैठना, ठीक है। तो अगर कोई चीज लर्क कर रही है, मीन्स वो घात लगा के बैठी है, छिप करके बैठी है। नेक्स्ट वर्ड है बर्जन। ये स्पेलिंग एरर में भी आपको दिया जाता है जी ई ओ एन की वजह से। बर्जन क्या होता है? जो फूल वगैरह होते हैं ना, कलियां वगैरह, वो बर्जन करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो अगर कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन बर्जन कर रही है, मीन्स वो क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है वो, यानी वो फ्लरिश कर रही है, अर्थात वो बूम कर रही है, प्रोलीफरेट कर रही है, मीन्स फैल रही है तेजी से, एस्केलेट कर रही है, पढ़ा था आपने, तेज हो रही है वो, फ्लरिश कर रही, थ्राइव कर रही है, विकसित होती जा रही है। तो कोई चीज अगर बर्जन कर रही है, मीन्स वो कंडीशन तेजी से क्या हो रही है, विकसित हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लाइट्स। ब्लाइट्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज बच्चों, कोई भी थिंग दैट स्पॉइल्स और डैमेजेस समथिंग, जो किसी चीज को नष्ट कर देती हो, नुकसान पहुंचाती हो, वो चीज ब्लाइट्स के अंतर्गत आती है। ये भी एक प्रकार का स्कर्ज है, बेन की तरह है ना, बेन है, कर्श है, मिनेस। मिनेस क्या होता है? कोई ऐसी चुनौती जो आपको नुकसान पहुंचाए, वो धमकी, वो चुनौती मिनेश कहलाती है। तो ब्लाइट्स कोई कह रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, वो कोई ऐसी चीज की बात कर रहा है जो हानिकारक है, वो ब्लाइट्स है। फॉली से ही आप जानते हैं ये वर्ड्स बने हैं आपके, फुलिश, और इसी से फुलिशनेस बना है आपका, फॉली से। क्यों? क्योंकि फॉली एक नाउन के रूप में क्या है, मूर्खता है। फॉली से ही फुलिशनेस और फुलिश बना। फुलिश आप समझते होंगे बच्चों, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फॉली से ही बच्चों ये भी बना है, फूल, मूर्ख, एडजेक्टिव के रूप में। तो फॉली एक नाउन है आपका, मूर्खता हो जाएगा, यानी फुलिशनेस हो जाएगा, इडियसी हो जाएगा, स्टुपिडिटी हो जाएगा, सिली से सिलीनेस हो जाएगा, ल्यूनेसी हो जाएगा, मीन्स हो फॉली। फॉली मीन्स हो मूर्खता, एक प्रकार की फुलिशनेस, ल्यूनेसी। नेक्स्ट वर्ड है मराठ। मीन्स हो जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती ना जो लूटने का काम करती हैं, मीन्स किसी को डिस्पॉइल करने का काम करती हैं। हिंदी नहीं लिखा है मैंने, मैं लिख दे रहा हूं, लूटपाट करना, ये वर्ब के रूप में बच्चों, मराठ मीन्स हो लूटपाट करना, मीन्स टू रोम अबाउट एंड रेड इन सर्च ऑफ प्लंडर, यानी लूटपाट करने के लिए इधर उधर क्या करना, घूमते रहना, मराठ करते रहना। तो किसी को डिस्पॉइल करना, लूट लेना, छीन लेना, लूट खुद इंग्लिश है बच्चों, लूट लेना, लूट से लूटर भी बना है बच्चों, लूटने वाला जो होता है वो लूटर होता है, ध्यान रखेगा। पिलेज करना मीन्स चोरी कर लेना, छीन लेना, रैन सैक कर लेना, लूट लेना, छीन लेना, सैक भी कर लेना, सब कुछ ले लेना। तो कोई मराड कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है वो, लूटपाट कर रहा है, छीन रहा है वो। अप सर्ज। सर्ज आपने पढ़ा था ना, जब भावनाएं वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं तो वो सर्ज करते हैं, कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो सर्ज करता है। अपसर्ज जब कोई इकट्ठा होकर के किसी पर हमला करता है तो नाउन के रूप में वह एक प्रकार का अपसर्ज होता है, एक उठान है, एक उभार है, एक प्रकार का हमला है, राइज है ये। मीन्स अपसर्ज मीन्स एक प्रकार का रैपिड या सडन राइज, यानी एक अप स्विंग है, एक अप टर्न है, यह एक राइजिंग है, मीन्स एक उठान है, उभार है या हमला है ये। डिवास्टेटिंग, ये डिवास्टेट से बना है, डिवास्टेट वर्ब होता है, डिवास्टेटिंग एडजेक्टिव हो गया आपका ये। तो डिवास्टेटिंग क्या है? कोई भी ऐसी चीज हो जो विनाशकारी हो, अर्थात नुकसान करता हो, डैमेज करता हो, वह डिवास्टेटिंग है। वो एनिहिलेटरी है, मीन्स नष्ट करने वाला है, कैलामिटस है, नुकसान पहुंचाने वाला है, कैटाक्लिस्मल है, मीन्स नुकसान पहुंचाने वाला, विपत्ति ले आने वाला है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड बच्चों, ये वर्ड्स काम आएंगे। एनिहिलेशन होता है ना, तो एनिहिलेट, एनिहिलेट है, फिर एनिहिलेशन है, एनिहिलेटरी हो गया। कैलामिटी आपने पढ़ा था तो कैलामिटस हो गया, कैटाक्लिज्म आपने पढ़ा था, कैटाक्लिज्मल हो गया, डिस्ट्रक्ट आप पढ़े होंगे, डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्शन होता है,
तो ये आपके एडजेक्टिव्स के रूप में हो जाएंगे। तो डिवास्टेटिंग मीन्स विनाशकारी, जो नुकसान पहुंचाता हो। ये लास्ट वर्ड है मेट्रोलॉजी। ये बहुत बार स्पेलिंग एरर में दिया गया इस ओ की वजह से। नॉर्मली मेट्रोलॉजी लिखे तो आदमी ये ओ भूल जाएगा, तो आप याद कर लें मेट्रोलॉजी की स्पेलिंग METEOROLOGY होता है। मेट्रोलॉजी क्या होता है? मौसम विज्ञान होता है। ये वाई हटा करके आप IST जोड़ देंगे तो मौसम विज्ञानी हो जाएगा, जो मौसम के बारे में आपको जानकारी देता है। तो मेट्रोलॉजी मीन्स मौसम विज्ञान, मीन्स वो साइंस जो एटमॉस्फेयर से और उससे संबंधित जो फिनोमिनन्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, फिनोमिना, उससे डील करता है, वो मेट्रोलॉजी को डील करता है, मीन्स मौसम विज्ञान को डील करता है। लास्ट वर्ड है डिस्परेट। मैंने कहा था वो DIS था PA, ये DESPE आपका है। डिस्परेट क्या होता है? बहुत अधिक जो निराश हो चुका हो, बहुत हताश हो चुका हो, वो डिस्परेट होता है। लेकिन एक और मीनिंग होती है, बहुत तेज जो चीज हो, यानी एक्सट्रीम इंटेंसिटी वाली जो चीज होती है, वो भी डिस्परेट होता है। ठीक है, तो वो डिस्परेट क्या था? अलग अलग, यानी अलग असमान। और ये डिस्परेट क्या है आपका? मीन्स बहुत हताश या बहुत तेज जो होता है वो आपका होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे ये आप वर्ड्स आपने पढ़े और आगे आप जानते हैं इसके आगे क्या है आपके पास, यानी कहीं कहीं अब आपको जो हमारा मेन एडिटोरियल है वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे सामने देख रहे होंगे, जैसा कि है देख रहे होंगे आप, ये आपके सामने ये है आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, द स्वार्म ऑन लोकस्ट अटैक, यानी समझ रहे होंगे, द स्वार्म यानी वो झुंड, वो दल, वो समूह। और किस पर है पूरा एडिटोरियल आपका? ऑन लोकस्ट अटैक। लोकस्ट समझते होंगे बच्चों, टिड्डियों को कहते हैं, और अटैक आप जानते हैं यानी टिड्डियों के हमले पर, यानी टिड्डियों के हमले पर ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है। करें द लोकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स एड अ न्यू डायमेंशन टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया। सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज किए हैं। द लोकस, ये सब्जेक्ट यहां पे है, इसका मतलब द यहां क्या हो गया आपका? डिटर्मिनर या आर्टिकल, और लोकस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, इन आप जानते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट्स के पहले है, मीन्स प्रीपोजिशन है आपका, तो वेस्टर्न पार्ट्स यहां पे क्या हो जाएगा? पार्ट्स नाउन है आपका, और पार्ट्स के पहले वेस्टर्न क्या है आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। एड यहां क्या है? पार्ट्स प्लूरल था ना, तो एड यहां मेन वर्ब है आपकी प्लूरल के रूप में। अ न्यू डायमेंशन, डायमेंशन क्या है आपका? नाउन है, तो न्यू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा? आर्टिकल या डिटर्मिनर हो जाएगा। टू अदर डिजास्टर्स, यहां टू इन्फिनिटिव नहीं ना, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं आपके, तो टू क्या हो जाएगा? फिर प्रीपोजिशन हो जाएगा। अदर डिजास्टर, डिजास्टर क्या है? विपत्तियां। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में क्या हो गया आपका? ये नाउन हो गया। तो अगर ये नाउन है तो अदर यहां पे किससे इसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया, इंडिया क्या है आपका? यहां पे नाउन है, तो ये फेसिंग क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी इंडिया जिसका सामना कर रहा है, जिसको फेस कर रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। करें द लोकस यानी वो टिड्डियां इन वेस्टर्न पार्ट्स, कौन सी टिड्डियां? इन वेस्टर्न पार्ट्स, जो कौन से भाग में? पश्चिमी भागों में है। एड, वो टिड्डियां एड अ न्यू डायमेंशन, वो एक नया डायमेंशन जोड़ रही हैं, ऐड कर रही हैं टू द टू अदर डिजास्टर्स, उन पहले से मतलब जो भारत में हैं अदर डिजास्टर्स, अन्य जो विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, उन अन्य डिजास्टर्स में एक नया ही डायमेंशन जोड़ रही हैं ये जो लोकस हैं जो वेस्टर्न पार्ट्स में हैं। और कौन से डिजास्टर्स? फेसिंग इंडिया, जिन डिजास्टर्स को इंडिया क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। उल्टा पढ़ेंगे और आसान हो जाएगा, यानी इंडिया फेसिंग, इंडिया फेस कर रहा है अदर डिजास्टर्स, अन्य विपदाओं का, मीन्स
आपत्तियों का सॉरी जो विपत्तियां हैं उन विपत्तियों में एक नया डायमेंशन यानी एक नया ही डायमेंशन जुड़ जा रहा है, जोड़ रही हैं कौन, वेस्टर्न पार्ट्स की वो द लोकस, वो टिड्डियां। ठीक है, करें जस्ट लास्ट वीक, जैसे लास्ट वीक आया तुरंत समझ जाए बच्चों कि इसका मतलब आगे पास्ट इंडेफिनिट होगा एक्टिव या पैसिव में। जस्ट लास्ट वीक, अभी पिछले ही सप्ताह, ईस्टर्न इंडिया मीन्स पूर्वी भारत वाज बैटर्ड, चोटिल हुआ था, घायल हुआ था, मीन्स पूर्वी भारत में कहीं कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा था बाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स। साइक्लोन समझते होंगे बच्चों आप, मीन्स क्या कह सकते हैं आप, तूफान के सेंस में आप ले लें, जैसे आप वर्ड्स आप पहले से भी कुछ जानते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वर्ड्स आप जानते होंगे, टाइफून आप जानते होंगे, टेम्पेस्ट आप जानते हैं, और यहां मैं लिख दे रहा हूं गेल भी आप जानते हैं, स्टॉर्म भी आप जानते हैं, स्टॉर्म से ही आप चाहें तो ये भी बना लें थंडर स्टॉर्म, क्या कहते हैं थंडर स्टॉर्म, इन सब के मीन्स क्या होते हैं, तूफान, अंधड़, तेज हवा, हरिकेन भी आपको याद होगा, HURRICANE होता है हरिकेन। तो जस्ट लास्ट वीक, पिछले ही सप्ताह, ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत वाज बैटर्ड, चोटिल हुआ था, मीन्स कहीं कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा था बाई वन ऑफ द, जैसे वन ऑफ आपने देखा, दो चीज क्लियर कर लें कि इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और अगर वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, तो पूर्वी भारत को कहीं कहीं चोट पहुंची थी, मतलब उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा था बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स, है ना, देखिए प्लूरल, यानी सबसे अधिक शक्तिशाली साइक्लोन्स में, तूफानों में से एक का भारत को क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ था इन डिकेड्स। और ये जो तूफान, सबसे बड़े शक्तिशाली तूफान आए हुए थे ये दशकों में, यानी जो इन डिकेड दशकों में सबसे शक्तिशाली तूफान आते हैं उनमें से एक का सामना करना पड़ा था, कब, जस्ट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, किसको, ईस्टर्न इंडिया को, वाज बैटर, जिसमें उसे बहुत अधिक नुकसान हुआ था। एंड और नाउ, अब यानी ईस्टर्न इंडिया परेशान हुआ पिछले सप्ताह साइक्लोन्स की वजह से, साइक्लोन में से एक, सबसे शक्तिशाली साइक्लोन्स में से एक की वजह से। एंड नाउ, और अब, इवन एज हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे, इवन एज, पहले से ही क्या है कि हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, सैकड़ों जीवन आर लॉस्ट, क्या होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं एवरी डे, प्रतिदिन, टू द कोरोना वायरस, किसके किसके चलते, कोरोना वायरस चलते, यानी अभी यह हाल है कि कोरोना वायरस के चलते प्रतिदिन सैकड़ों जाने क्या हो रही है, जा रही हैं। तो उस समय जब सैकड़ों जाने जा रही हैं कोरोना वायरस के कारण, और पिछले सप्ताह ईस्टर्न इंडिया को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा था, तो एनदर डेंजर, एक दूसरा खतरा लर्क्स, घात लगाए बैठा है ऑन द नेशंस वेस्ट, कौन से हिस्से में, भारत के पश्चिमी हिस्से में, यानी भारत के पूर्वी हिस्से को कम नुकसान पहुंचा पिछले सप्ताह, किसके कारण पहुंचा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स इंडिकेट, यानी दसियों साल में सबसे शक्तिशाली साइक्लोन्स में से एक के द्वारा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सैकड़ों जाने रोज जा रही हैं, किसके कारण, कोरोना वायरस के कारण। तो कहते हैं ना वो, व्हाट, गरीबी में आटा गीला, मीन्स एडवर्सिटी नेवर कम्स अलोन, कहते हैं ना, तो गरीबी में आटा गीला हो गया क्या, कि एनदर डेंजर लर्क्स ऑन, यानी दूसरा खतरा घात लगाए बैठा है ऑन द नेशंस वेस्ट, किस तरफ, भारत के पश्चिमी हिस्से की तरफ। अ बर्जनिंग लोकस्ट स्वार्म, स्वार्म मीन्स झुंड, दल, कौन सा स्वार्म, लोकस्ट का, टिड्डियों का, बर्जनिंग, तेजी से बढ़ता हुआ, तेजी से विकसित होता हुआ, बर्जनिंग याद करें, बर्जन, तेजी से बढ़ना,
तो अब बर्जनिंग लोकस्ट स्वार्म यानी तेजी से बढ़ता हुआ टिड्डियों का जो दल है, झुंड है, इन राजस्थान में, गुजरात में एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और यहां तक कि मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी थ्रेटेंस कहीं कहीं खतरा बन रहा है टू एम्प्लीफाई इनटू एन एग्रेरियन डिजास्टर, अर्थात जो कृषि से संबंधित डिजास्टर विपदाएं होती हैं, विपत्तियां आती हैं, उनमें एम्प्लीफाई कर रहा है, मीन्स उसे बढ़ा रहा है। कौन? अ बर्जनिंग लोकस्ट स्वार्म। बच्चों ये पैसेज पढ़ के या फिर आप अगर आगे पढ़ेंगे पूरा तो आप जानेंगे ये जो एसे यानी एडिटोरियल आपका है इसका जो टोन है ना, ये टोन आपका ये है। देखें पेसिमिस्टिक है। क्या है? पेसिमिस्टिक है। अगर आप इसको पूरी तरह से पेसिमिस्टिक नहीं कह सकते हैं तो आप कहिए कि इसका एडिटोरियल का टोन जो है वो कहीं कहीं क्या है, सीरियस है, मीन्स गंभीर चीजें इसमें आपको समझाने की या बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये विपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किसी का वश नहीं। और आपको ये भी पता है ये उन लोकस्ट स्वार्म पे है, अर्थात टिड्डियों के उस दल पे है जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से होता हुआ यहां भारत की तरफ आया, जिसमें उसने राजस्थान, पंजाब का कुछ हिस्सा, हरियाणा कुछ हिस्सा, यूपी में और मध्य प्रदेश में इसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया किसानों के फसलों को। यह भी कहा जा रहा है कि ये हिंद महासागर में जो वार्मिंग हो रही है गर्मी की वजह से भी ये टिड्डियां जो हैं वहां से निकली और फिर पाकिस्तान होते हुए कहां आई, भारत में इन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। इनसे इतना नुकसान हो रहा है कि जो एनालिस्ट हैं यानी जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि करोड़ों की जो मूंग की दाल वगैरह है वो क्या हो जानी है, नष्ट हो जानी। जिस तरफ से होते हुए ये टिड्डियों का दल गुजर रहा है पूरी फसल की फसल क्या कर दे रहा है, तबाह कर दे रहा है। इनसे बचने के लिए किसानों को क्या करना पड़ रहा है, थालियां बजानी पड़ रही हैं, जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है ताकि ये क्या हो जाए, चले जाए। ये हाल है इस देश का। यानी कोड में खास ये कि ऑलरेडी एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा भारत त्रस्त है, ऊपर से अभी पिछले सप्ताह सबसे शक्तिशाली साइक्लोन्स में से एक आ गया ईस्टर्न इंडिया की तरफ और अब वेस्टर्न इंडिया में यानी इंडिया के पश्चिमी हिस्से में ये जो टिड्डियों का दल है, स्वार्म जो उनका है, वो तबाही क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, डिजास्टर्स ले आ रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों यहां फिर से देख लें आप, कह रहे हैं अ बर्जनिंग लोकस्ट स्वार्म यानी एक तेजी से बढ़ता हुआ टिड्डियों का दल राजस्थान में प्रवेश कर चुका है, गुजरात में प्रवेश कर चुका है एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी प्रवेश कर चुका है और थ्रेटेंस और इसकी वजह से खतरा बन गया, थ्रेटन मीन्स चुनौती बनना, खतरा बनना, ये खतरा बन चुका है टू एम्प्लीफाई बढ़ा देना, जब आप साउंड को बढ़ाते हैं ना तो एम्प्लीफाई करते हैं, तो ये खतरा बन चुका है टू एम्प्लीफाई इनटू एन एग्रेरियन डिजास्टर, यानी जो खतरा बढ़ करके क्या बन जाएगा, एन एग्रेरियन डिजास्टर बन जाएगा, यानी एक प्रकार से कृषि विपदा के रूप में एम्प्लीफाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन? ये जो बर्जनिंग लोकस्ट स्वार्म है। करें द डिजर्ट लोकस्ट, यानी डिजर्ट समझते हैं बच्चों, रेगिस्तान, द डिजर्ट लोकस्ट एज अ स्पेसीज याद होगा, प्रजाति, स्पेसीज सिंगुलर भी होता है और प्लूरल में भी वही यूज होता है, लेकिन ए लगा है, मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं, यानी एक प्रजाति के रूप में ये जो डिजर्ट लोकस्ट है यानी रेगिस्तानी जो टिड्डियां हैं इज द बेन ऑफ एग्रीकल्चर, ये कृषि के लिए क्या है, एक प्रकार से बेन है, अभिशाप है, यानी पूरी खेती को क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। कौन? द डिजर्ट लोकस्ट अर्थात रेगिस्तानी जो टिड्डी होती। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग, बच्चों ये जो मॉनिटरिंग टैकलिंग या ऐसे वर्ड्स जो मिलते हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, जल्दी ही मैं आपको एक्स्ट्रा हर एडिटोरियल के साथ एक एक्स्ट्रा सीरीज मैं दूंगा जिसमें सारे अच्छे जो वर्ड्स रहेंगे, मॉनिटरिंग क्या है, टैकलिंग क्या है, वेस्टेड क्या है, ये सारी मैं समझाऊंगा।
इसके अलावा आपको एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स में जो सेंटेंसेस हैं वो मैं समझाऊंगा, और इसके अलावा जो जितने भी प्रीपोजिशंस के यूसेज दिए गए हैं वो सारे मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट शायद इसी आज ही से या कल से मैं शुरू कर रहा हूं। करें मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियाडिक आउटब्रेक। जैसे हम नहीं समझ पा रहे होंगे आप मॉनिटरिंग और टैकलिंग क्या है, तो यही मैं वहां समझाऊंगा आपको। यहां चूंकि थोड़ा टाइम लिमिटेशन मेरा होता है जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम होती है, तो यहां मैं समझा सकता हूं लेकिन फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग, याद है मॉनिटरिंग निगरानी करना, टैकलिंग किसी चीज को संभालना, किसको संभालना, पीरियाडिक आउटब्रेक, पीरियाडिक समय समय पर, और आउटब्रेक्स, आउटब्रेक्स याद करें फैलना, शुरू होना किसी चीज का, किस चीज का शुरू होना, आउटब्रेक्स ऑफ द मराडिंग इंसेक्ट्स। मराडिंग इंसेक्ट्स ये जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, लूटपाट करने वाले कीड़े, फसलें तो लूट ही ले रहे हैं ना, बर्बादी तो कर दे रहे हैं ये, फिर से उल्टा देखें बच्चों, यानी ये जो मराडिंग इंसेक्ट्स हैं यानी लूटपाट करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं, इनके पीरियाडिक आउटब्रेक्स को यानी समय समय पर इनकी जो शुरुआत होती है, इनका जो फैलना होता है, इसको टैकल करना यानी इसको संभालना और इनको मॉनिटर करना अर्थात इन पर निगरानी करना आर है, क्या है, एमंग द ऑब्जेक्टिव्स, उन उद्देश्यों में से है ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO इन जोधपुर। उल्टा पढ़ दें, यानी जोधपुर में क्या है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, LWO है। इस लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने टिड्डियों पर जो वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी उनके बारे में, खतरे के बारे में बताने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जोधपुर में है, इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उद्देश्य होंगे, कुछ लक्ष्य होंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स के बीच में है क्या कि मॉनिटरिंग करना और टैकलिंग करना अर्थात निगरानी करना और संभालना, किनको संभालना, पीरियाडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मराडिंग इंटेक्स इंसेक्ट्स, यानी ये जो लूटपाट करने वाले, नुकसान पहुंचने वाले कीड़े हैं, इनका जो पीरियाडिक आउटब्रेक्स होता है, समय समय पर इनकी जो फैलना इनका होता है, इनके फैलने को मॉनिटर करना और टैकल करना ही उन उद्देश्यों में से है जो उद्देश्य किसके हैं, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के हैं जो जोधपुर में है। ठीक है, देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्जेस, यहां अपसर्जेस मीन्स हमले, जमाव, उठान। देयर वर, वर क्यों आया, देखिए देयर के साथ, क्योंकि 13 लोकस्ट अपसर्जेस प्लूरल है ना, तो देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्जेस यानी 13 टिड्डियों के अपसर्जेस हो चुके हैं, हमले हो चुके हैं फ्रॉम 1964 टू 1967। देखिएगा, ध्यान देखिएगा, यहां फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम का कॉम्बिनेशन देखिए टू से है यहां, है ना, तो यानी 1964 से 1997 तक करीब 13 टिड्डियों के हमले हो चुके हैं, एंड और आफ्टर 2010 और 2013 के बाद देर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग रिपोर्टेड, यानी 2010 के बाद क्या हुआ कि देर वॉज नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग यानी बड़े स्तर पर इन टिड्डियों का उत्पन्न होना रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया गया लेकिन देर वॉज नो, अर्थात 2010 के बाद क्या हुआ, बड़े स्तर पे टिड्डियों का उत्पन्न होना रिपोर्ट नहीं किया गया, अर्थात 2010 के बाद ये उत्पन्न नहीं हुए, इनके हमले नहीं हुए। वंस, एक बार अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स, अगर एक बार, यहां वंस मीन्स यदि एक बार, वंस का अर्थ जब यदि एक बार होता है कंजंक्शन के रूप में हो जाता है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा, यानी यदि एक बार अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स, यदि एक बड़ा फैलाव शुरू होता है यानी टिड्डियों का जो हमला है उनका फैलना है, यदि एक बार बड़े स्तर पर शुरू होता है तो इट लास्ट्स, लास्ट वर्ब भी होती है बच्चों, लास्ट में चलते रहना, बने रहना, तो वह आउटब्रेक जो है इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years, तो उन टिड्डियों का जो फैलाव होता है करीब 2 वर्षों तक चलता है, एंड देन और फिर देयर इज अ क्वाइटस, क्वाइटस के कई अर्थ होते हैं बच्चों, क्वाइटस मीन्स होता है डेथ, मृत्यु, जो यहां पे नहीं है, इस क्वाइटस का अर्थ क्या है पता है,
बिल्कुल शांत हो जाना, अर्थात गायब हो जाने के अर्थ में, अर्थात इनका कोई समाधान निकल गया। क्वाइटस का अर्थ न्याय मिलना, निर्णय देना भी होता है, बट यहां क्वाइटस का अर्थ बिल्कुल शांत हो जाना, अर्थात गायब हो जाना। फिर से देख लें बच्चों, करें वंश अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट्स, यदि एक बार कोई बड़ी शुरुआत होती इन टिड्डियों की तो इट लास्ट अबाउट 2 years, तो यह शुरुआत कितने समय तक चलती, करीब 2 सालों तक चलती है, एंड देन देयर इज अ क्वाइटस फॉर अबाउट 8 years, और करीब 8 सालों तक बिल्कुल क्या रहती है, शांति रहती है, अर्थात वो टिड्डियां दिखाई नहीं देती हैं। LWO, समझ गए होंगे बच्चों, LWO अभी आपने पढ़ा था कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जो LWO ऑफिशियल्स हैं यानी लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो अधिकारी हैं, से देखिए ऑफिशियल्स प्लूरल है तो से भी प्लूरल हो गया, तो वो अधिकारी कहते हैं दैट कि द स्वार्म यानी वो झुंड बिल्डिंग अप, जो क्या हो रहा है, बिल्डिंग अप हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इज पोटेंशियली द वर्स्ट इन डिकेड्स, यानी यह दशकों में वर्स्ट है, यानी सबसे बुरा है, क्या वो स्वार्म यानी वो झुंड बिल्डिंग अप जो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। इट इज अ टेस्टिमनी, देखिए बच्चों एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है ना, आपके वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, आप विश्वास करें, रेगुलर पढ़ें, देखें बहुत आसान हो जाएगा। इट इज अ टेस्टिमनी, प्रायः मैंने टेस्टिमनी मीन्स कोई प्रूफ, प्रमाण। इट इज अ टेस्टिमनी टू इट्स डिवास्टेटिंग पोटेंशियल, डिवास्टेटिंग विनाशकारी, एनिहिलेटरी है ना, और पोटेंशियल क्षमता, याद होगा आपको। तो इट इज अ टेस्टिमनी टू इट्स किसके लिए है, लोकस्ट के लिए है, यानी ये जो लोकस्ट हैं इनके विनाशकारी जो इनकी क्षमता है, इसके प्रमाण के रूप में आप कह सकते हैं क्या, दैट की एन आर्केन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, आर्केन मीन्स सीक्रेट, क्या होता है आर्केन मीन्स सीक्रेट, मीन्स ये सीक्रेट में रहस्यपूर्ण, पीस ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन याद है, कोई नियम, कोई कानून, कोई प्रावधान, यानी ये जो टिड्डियां हैं इनके विनाशकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में आप कह सकते हैं दैट की एन आर्केन पीस ऑफ लेजिस्लेशन, कि एक गोपनीय प्रकार का कानून बना है, कौन सा कानून, ये नाम है कानून का, द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीजेज एंड नॉक्सस वीड्स एक्ट 1949, यानी आप इन टिड्डियों के विनाशकारी क्षमता का इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यह प्रमाण मिल सकता है कि इनके लिए पूरा एक गोपनीय कानून बना है जिसका यह नाम है द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल पेस्ट डिजीजेज एंड नॉक्सस वीड्स एक्ट 1949, और यह कानून हैज अ प्रोविजन, यानी इस एक्ट में एक प्रोविजन है, यानी एक प्रावधान है, क्या, वेयर बाय, जिसके द्वारा, वेयर बाय मीन्स जिसके द्वारा, यानी जिसके द्वारा, जिस प्रावधान के द्वारा अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नहीं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्टर क्यों कहा जा रहा है बच्चों, क्योंकि 1949 में बना था, उस समय डीएम को हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के नाम से जानते थे, तो उसमें जो एक्ट बना है उसमें एक प्रावधान है वेयर बाय, जिसके द्वारा, जिससे अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकता है, क्या कर सकता है, कॉल अपॉन, बुला सकता है एनी मेल पर्सन, किसी भी आदमी को, मेल को, नॉट बिलो द एज ऑफ 14 years, जो 14 वर्ष की अवस्था से कम का ना हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूं बच्चों, बिलो कहां लगता है, अंडर कहां लगता है, तो ये जल्दी ही मैं ले आऊंगा अपना सेगमेंट। तो यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी 14 साल से ऊपर के मेल पर्सन को बुला सकता है, रेजिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, वो व्यक्ति जो उस जिले का क्या हो, रेजिडेंट हो, निवासी हो, नॉट बिलो द एज ऑफ 14 years, जो 14 साल से कम की उम्र का ना हो, रेजिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, टू रेंडर, किस लिए बुला सकता है, टू रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस, ताकि वो उसे सभी प्रकार की संभावित असिस्टेंस, सहायता को क्या कर सके, दे सके। ऐसा क्या है, एक उस एक्ट में जो एक्ट बना था 1949 में, उसमें एक ऐसा प्रावधान है, ठीक है।
एंड और देयर इज पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट, और बड़ी सजा हो सकती, जेल हो सकती है फॉर फेलियर, अगर वो आदमी असफल हो जाता है टू अबाइड बाय, याद करिए अबाइड बाय फॉलो करना, मानना, यदि वो इंसान असफल हो जाता है फॉलो करने में, उस मानने में द लॉ, उस कानून, कौन सा कानून, ये कानून जो आपने ऊपर पढ़ा, यानी यदि इस कानून को फॉलो करने में वह 14 साल से ऊपर का व्यक्ति असफल हो जाता है तो फिर पोटेंशियल इंप्रिजनमेंट उसको बड़ी कड़ी क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है। एंटीक्वेटेड एज इट मे साउंड, साउंड मीन्स केवल आवाज ही नहीं होती बच्चों, साउंड मीन्स प्रतीत होना भी होता है, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज जानेंगे, आप पढ़ते रहें बस। एंटीक्वेटेड एज इट मे साउंड, यानी पुराना प्रतीत हो सकता है ये, यानी ऐसा हो सकता है कि आपको क्या लगे, ये पुराना लगे, प्राचीन लगे, लेकिन इट इज अ रिमाइंडर, यह एक रिमाइंडर है, यानी कहीं कहीं आपको रिमाइंड कराता है दैट की ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स के, जो ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स हैं, यानी जो मानवता की सबसे पुरानी ब्लाइट्स हैं, परेशानियां हैं, नुकसान करने वाली चीजें हैं, कौन सी चीजें, प्लेग, पेस्टिलेंस याद होगा, महामारी, यानी चाहे वो प्लेग हो चाहे महामारी हो, ये सारी जो परेशानियां ब्लाइट्स हैं, मीन्स अभिशाप हैं, नुकसान करने वाली चीजें हैं, ये एक रिमाइंडर है क्या कि ये चीजें विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, कि आप इन चीजों को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मीन्स इन्हें कभी आप खत्म नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंटीक्वेटेड एज इट मे साउंड, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कि यह अजीब लगे, आपको पुराना लगे, प्राचीन लगे, लेकिन यह एक रिमाइंडर है, आपको याद रखना होगा कि आप कुछ भी कर लें, ये जो ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स हैं, मानवता की जो पुरानी ये सब ब्लाइट्स हैं, नुकसान करने वाली चीजें, कौन सी, प्लेग हो या पेस्टिलेंस हो, आप इन्हें पूरी तरीके से कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। द ब्रीडिंग लोकस, द ब्रीडिंग लोकस, उत्पन्न होने वाली लोकस, टिड्डियां, ने जो उत्पन्न होने वाली टिड्डियां हैं, ब्रीड मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना, द ब्रीडिंग लोकस, उत्पन्न होने वाली जो टिड्डियां हैं, विच थ्रेटन फार्मिंग, जो खेती के लिए क्या करती हैं, खतरा उत्पन्न करती हैं, यानी वो उत्पन्न होने वाली टिड्डियां जो खेती के लिए, किसानी के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, वो टिड्डियां आर एन इनडायरेक्ट फॉल आउट, फॉल आउट याद है, परिणाम, किसी बुरी चीज का परिणाम, ये एक इनडायरेक्ट परिणाम है ऑफ द वार्मिंग इंडियन ओशन, यानी जो भारतीय महासागर है वार्मिंग, इसके वार्म होने का, यानी ये जो ब्रीडिंग लोकस है ना, ये जो आज फार्मिंग के लिए क्या बनी हुई है, थ्रेटन, खतरा बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट परिणाम है ऑफ द वार्मिंग इंडियन ओशन, उस भारतीय महासागर के वार्म होने का, एज जैसा कि सब मेट्रोलॉजिस्ट, जैसा कि कुछ मौसम विज्ञानी सजेस्ट क्या करते हैं, बताते हैं, सुझाव देते हैं, यानी उन मौसम विज्ञानों के अनुसार ये जो ब्रीडिंग लोकस हैं, उत्पन्न होने टिड्डियां हैं, ये क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि वार्मिंग इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। लास्ट ईयर, पिछले साल, देयर वर फियर्स, फियर्स देखे प्लूरल है ना, तो फिर देयर के साथ वर हो गया, पिछले साल देयर वर फियर्स, यानी भय थे, डर था, दैट की द मानसून में फॉल शॉर्ट, याद करें फॉल शॉर्ट, कम हो जाना, पिछले साल ये डर था दैट की द मानसून में फॉल शॉर्ट, कि हो सकता है मानसून कम हो, यानी कहीं कहीं बारिश कम हो, बिकॉज ऑफ एन एल निनो, किसके कारण कम हो, बिकॉज ऑफ एन एल निनो, एल निनो के कारण, एल निनो क्या होता है बच्चों, वो वेदर या क्लाइमेट पैटर्न्स होते हैं जो आप पैसिफिक ओशन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी वहां के द्वारा, एल निनो के द्वारा ही पता चलता है कि अब की बार वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, तो यानी उस एल निनो के कारण कहीं कहीं बताया जा रहा था कि द मानसून में फॉल शॉर्ट, कि हो सकता है आपकी बारिश क्या हो, कम हो, आर या वार्मिंग ऑफ द
इक्विटोरियल पैसिफिक, इक्विटोरियल भूमध्य रेखी, या फिर किस कारण बारिश कम हो, इक्विटोरियल पैसिफिक यानी भूमध्य रेखीय पैसिफिक के कारण, यानी इक्विटोरियल पैसिफिक के कारण मतलब उसमें उत्पन्न गर्मी के कारण या एल नीनो के कारण बताया जा रहा था कि अब की बार बारिश क्या होगी, कम होगी। हाउएवर, जो भी हो, देयर वॉज एन एक्सट्रीम फ्लिप, फ्लिप मीन्स गड़बड़, गलती कोई चीज हो, यानी एक बड़ी गलती हो गई थी। कैसे कि 22 जुलाई, जुलाई से पहले 22 है ना, जुलाई तक, ये अर्थ होगा 22 टुमारो, कल तक, 22 जुलाई, जुलाई तक इट वॉज एविडेंट, क्या था, अस्पष्ट हो गया था दैट की अ पॉजिटिव इंडियन ओशन डीपोल, डीपोल डी पोल, पोल मीन्स ध्रुव होता है, कि जुलाई तक यह स्पष्ट हो गया था कि अ पॉजिटिव इंडियन ओशन डीपोल, कि इंडियन ओशन यानी भारतीय जो महासागर है उसमें जो द्विध्रुव है वो पॉजिटिव है, यानी क्या है, सकारात्मक है, आर या रिलेटिवली हायर टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, या फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन में एक हायर, तुलनात्मक रूप से हायर टेम्परेचर, ध्यान देखिए मैंने रिलेटिवली के बाद हायर लगा, जो नहीं लगाना चाहिए, आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री यूज करना चाहिए। फिर से देखें बच्चों, करें 22 जुलाई, जुलाई तक इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया था दैट की अ पॉजिटिव इंडियन ओशन डीपोल, यानी जो भारतीय महासागर है उसमें ध्रुव की सकारात्मकता जो है वो आर या रिलेटिवली हायर टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, या जो पश्चिमी भारतीय महासागर है उसमें हायर टेम्परेचर, ज्यादा तापमान जो है, वाज इन द वर्क्स, कहीं कहीं वो क्रियाशील था, वर्क्स मीन्स यहां पे बी इन द वर्क्स मीन्स क्रियाशील होना, कहीं कहीं वो क्रियाशील था, क्या वेस्टर्न इंडियन ओशन में हायर टेम्परेचर क्रियाशील था, या फिर जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डिपोल क्रियाशील था, कहीं कहीं दो में से कुछ हो रहा था। दिस लेड, इसकी वजह से हुआ क्या, दिस लेड टू, याद कर लीजिएगा लीड टू, दिस लेड टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया, इसकी वजह से क्या हुआ, भारत में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ, मीन्स रिकॉर्ड तोड़ने वाली वर्षा हुई, देन अ कॉज फॉर चीयर, और उस समय ये क्या था, अ कॉज फॉर चीयर, ये खुशी का कारण था, एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका, और ये खुशी का कारण एक जगह और था, कहा ईस्टर्न अफ्रीका, मीन्स ईस्टर्न अफ्रीका में। एक बच्चों एक चीज समझिए यहां पे, एक्चुअली ये देन अ कॉज फॉर चीयर जो है ना, ये किसके लिए है, भारत के लिए हो गया, भारत में ये खुशी का कारण था, और ये इंडिया से जोड़े एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका, भारत में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्षा हुई, एज वेल एज इन ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में भी क्या हुई, तेज बारिश, बहुत अधिक वर्षा हुई, और इसी का देखिए ये परिणाम हुआ, ये बट लेकिन वो तेज वर्षा हुई, बहुत अधिक बारिश हुई, बट लेकिन मॉइस्ट अफ्रीकन डिजर्ट्स, वो जो नम, चूंकि बारिश बहुत हुई थी ना, तो जो नम अफ्रीकन डिजर्ट्स थे, यानी अफ्रीका के जो रेगिस्तान थे, जो मॉइस्ट थे, नमी लिए हुए थे, प्रीसिपिटेटेड, प्रीसिपिटेट की शुद्ध मीनिंग होती है किसी चीज को आवेग के साथ हिट करना, लेकिन यहां पर उत्पन्न करने के सेंस में इसका प्रयोग किया गया, उपजाने के सेंस में यूज किया गया, प्रोड्यूस करने के सेंस में प्रयोग किया गया। तो वो जो नमी लिए हुए अफ्रीका के डेजर्ट्स थे, मीन्स वहां के रेगिस्तान थे, प्रीसिपिटेटेड लोकस्ट ब्रीडिंग, उन्होंने क्या उत्पन्न करना शुरू कर दिया, लोकस्ट ब्रीडिंग, यानी उन टिड्डियों को उत्पन्न करने का कार्य उन मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स ने शुरू कर दिया, एंड और फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स, रेन बियरिंग विंड्स यानी वो हवाएं जिनमें बारिश हो सकती थी, फेवरेबल मीन्स यहां पे अनुकूल, और अनुकूल बारिश ली हुई जो हवाएं थी एडेड देयर ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स इंडिया, इन रेन बियरिंग विंड्स ने एडेड मदद कर दी देयर ट्रांसपोर्ट, उनके आगमन में, आने जाने में टूवर्ड्स इंडिया, किस तरफ, भारत की तरफ, किसके आने जाने में मदद कर दी, उन लोकस्ट को जो उस मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स में क्या हो रहे थे,
ब्रीड हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखे क्या हुआ, कोरोना वायरस क्वारंटाइन्स मेंट, कोरोना वायरस में क्वारंटाइन्स का मतलब क्या निकला, इससे क्या अभिप्राय निकला, दैट की रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, जो नियमित रूप से कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज थी, साथ मिलजुल करके जो कार्य हुआ करते थे, इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल थे, कौन शामिल थे, इंडिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यानी इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, शामिल होते थे, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग प्रीपोजिशन यहां पे है, के संबंध में, किसके संबंध में, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, स्प्रे मींस छिड़काव करना, जो पेस्टिसाइड्स थे, यानी जो व्हाट कीटनाशक थे, कीटनाशकों के छिड़काव के संबंध में अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे ना, लेकिन कोरोना वायरस के जो क्वारंटाइन्स था, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये चीजें वर हाल्टेड, क्या हो गई, रुक गई, कौन सी चीजें रुक गई, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का छिड़काव, किसकी वजह से रुक गया, ये कोरोना वायरस क्वारंटाइन्स, कोरोना वायरस क्वारंटाइन्स वजह से क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कोऑर्डिनेशन में एक्टिविटीज होती थी, क्या करने का, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, कीटनाशकों को छिड़कने का, ये कार्य वर हाल्टेड, ये कार्य क्या हो गए, सब रुक गए। वाइल, समझ गए बच्चों, ये क्यों बताया गया, क्योंकि कीटनाशक नहीं छिड़के गए तो उनका कहीं कहीं टिड्डियां क्या होते गए, बढ़ते गए वो। वाइल एक तरफ इट इज सम कंफर्ट, ये राहत की बात है, दैट की देयर इज नाउ लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप इन इंडिया, कि भारत में जो खड़ी फसल है लिमिटेड, अभी इस समय वो सीमित है, ये किसकी बात है, इट इज सम कंफर्ट, ये राहत की बात है, लेकिन दूसरी तरफ फोरकास्ट आर फॉर गुड रेन्स इन राजस्थान, और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट हैं, ये भविष्यवाणियां हैं, पूर्वानुमान हैं, आर फॉर गुड रेन्स इन राजस्थान, कि राजस्थान में क्या होनी है, अच्छी खासी बारिश होनी है, एंड और पैराडॉक्सिकली और विडंबना ये है कि कंड्यूसिव कंडीशंस, कंड्यूसिव मीन्स अनुकूल, कि कंड्यूसिव कंडीशंस की अनुकूल परिस्थितियां फॉर लोकस्ट ब्रीडिंग, उन टिड्डियों के उत्पन्न होने के लिए ड्यूरिंग द सोविंग सीजन, यानी जो बुवाई का मौसम आने वाला है उसमें लोकस्ट ब्रीडिंग के लिए, टिड्डियों के उत्पन्न होने के लिए कंड्यूसिव कंडीशंस हैं, यानी अनुकूल परिस्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां, जब राजस्थान में क्या होगी आगे, गुड रेन्स, अच्छी बारिश होगी। देखिए उन्होंने क्या कहा, एक तरफ ये हमारे लिए अच्छी बात है कि स्टैंडिंग क्रॉप ने, खड़ी फसलें नहीं है जिनकी वजह से हो सकता है नुकसान कम हो, लेकिन दुख की बात क्या है कि फोरकास्ट आर फॉर गुड रेन्स, राजस्थान में अच्छी बारिश के अनुमान है, और विडंबना यह है, यानी विरोधाभासी चीज क्या है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर लोकस्ट ब्रीडिंग होगी, यानी उन टिड्डियों के उत्पन्न होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी ड्यूरिंग द सोविंग सीजन, उस समय जो सीजन किसका होगा, बुआई का होगा, ठीक है। अर्थात दोनों चीजें, राहत यह है कि कहीं कहीं स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है, नुकसान कम होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्थान में अच्छी बारिश होगी तो लोकस्ट ब्रीडिंग के लिए कहीं कहीं सोविंग सीजन में वो लोकस्ट के लिए कंड्यूसिव कंडीशंस हो जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। ये लास्ट पैसेज है बच्चों, और लेस हाइलाइटेड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहां लेखक क्या कहना चाह रहा आपसे, और लेस हाइलाइटेड एस्पेक्ट, यानी वो एस्पेक्ट, वो पहलू जिस पर पूरा फोकस नहीं दिया जाता है, कम फोकस, कम हाईलाइट किया जाता है, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, किस चीज का, वैश्विक वार्मिंग का, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके एक एस्पेक्ट जिसको कि कम हाईलाइट किया जाता है, वो पहलू, वो एस्पेक्ट ये है, इज दैट, ये है कि इट मे लिंक डिस्परेट डिजास्टर्स, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इट मे लिंक डिस्परेट डिजास्टर, डिस्परेट असमान, अलग अलग डिजास्टर्स, आपदाएं, विपत्तियां, यानी ग्लोबल वार्मिंग का वो एस्पेक्ट, वो पहलू
जिस पर हम पूरा फोकस नहीं करते, पूरा हाईलाइट नहीं करते हैं, वो फोकस, वो हाईलाइट एस्पेक्ट ये है कि यह जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग डिजास्टर्स से अपने आप को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। और वो डिजास्टर्स क्या हो सकते हैं, आपके यहाँ बाढ़ आ सकती है, पैंडेमिक्स महामारियाँ आ सकती हैं, एंड पेस्टिलेंस, और छोटे स्तर पे भी महामारियाँ आ सकती हैं। किसके कारण? इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एम्प्लीफाइंग, जो बढ़ा रही होंगी द पोटेंसी ऑफ ईच, एक दूसरे की ताकत को, क्षमता को। कौन सी एक दूसरे की क्षमता को? फ्लड्स को, पैंडेमिक्स को, एंड पेस्टिलेंस को। इंप्रूव्ड साइंस, यानी हमारा विकसित, बेहतर होता हुआ जो विज्ञान है एंड टेक्नोलॉजी, और हमारी जो तकनीक है, इज वनली मेकिंग इट क्लियर। एक चीज देखिएगा बच्चों, यहां इंप्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या माना गया है, इज सिंगुलर माना गया है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को एक लेवल पे देखा गया, एक कार्य के रूप में इनका प्रयोग किया गया, यानी वो साइंस और टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव्ड है, इसीलिए क्या लिया, सिंगुलर। तो ये जो हमारी विकसित होती हुई, सुधरती हुई, अच्छी होती हुई जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, इज ओनली मेकिंग इट क्लियरर, वो केवल एक चीज को और अधिक स्पष्ट करती जा रही है, दैट की मैंस फॉलीज, कि इंसान की जो मूर्खताएं हैं, गलतियां हैं, ट्रांसेंड बॉर्डर्स, वो सीमाओं को क्या करती जा रही, ट्रांसेंड, पार करती जा रही, परे होती जा रही। यानी ये जो विकसित होता हुआ विज्ञान है और टेक्नोलॉजी है, इज ओनली मेकिंग इट क्लियर, वो केवल इसी चीज को स्पष्ट कर रहा है, दैट मैंस फॉलीज, कि इंसान की जो मूर्खताएं हैं, गलतियां हैं, वो सीमाओं को क्या करती जा रही हैं, पार करती जा रही हैं। दिस मेक्स इट नेसेसरी, ये चीज इस चीज को आवश्यक बना देती है, टू अबैंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम, कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है क्षेत्रीय तौर पे, इसे हम टू अबैंडन क्या कर दें, त्याग दें। यानी ये परिस्थिति कह रही कि नेसेसरी है, जरूरी है, टू अबैंडन, हम त्याग दें, छोड़ दें एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम, कि एक दूसरे पर, यानी क्षेत्रीय तौर पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना छोड़ दें हम, एंड फोकस ऑन, देखिए फोकस के साथ ऑन, एंड फोकस ऑन, और हम केंद्रित हो जाएं पॉलिसीज, ऐसी नीतियों पर जो विल एंश्योर, जो नीतियां सुनिश्चित करें एन इक्विटेबल सस्टेनेबल फ्यूचर, कि हमारे पास एक ऐसा फ्यूचर हो, एक ऐसा भविष्य हो जो इक्विटेबल हो, अर्थात क्या हो, न्यायपूर्ण हो, न्याय संगत हो, सस्टेनेबल हो, एक ऐसा फ्यूचर हो जिसे हम बनाए रख सकते हो, हम सस्टेन कर सकते हो। जिन शब्दों में भी एबल लगा हो ऐसे तुरंत कह दें वो क्या है, एडजेक्टिव्स है। फिर से देख ले बच्चों यहां लास्ट लाइन, दिस मेक्स इट नेसेसरी, ये चीजें जो विपत्तियां आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, दिस मेक्स इट नेसेसरी, ये चीज इस चीज को आवश्यक बना देती है, टू अबैंडन एनी टेरिटोरियल ब्लेम गेम, कि हम जो क्षेत्रीय तौर पर आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलते हैं, हम इसे त्यागें, एंड और फोकस ऑन पॉलिसीज, ऐसी नीतियों पर ध्यान दें, दैट विल इंश्योर, जो नीतियां सुनिश्चित कर दें कि हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य, वो इक्विटेबल होगा, न्याय संगत होगा, सस्टेनेबल होगा, हमारा फ्यूचर ऐसे ही क्या रहेगा, बना रहेगा, भविष्य हमारा चलता रहेगा। सारे वर्ड्स आज मैंने देखे, और भी वर्ड्स में जुड़े बच्चों, अच्छे वर्ड जो थे सब देख लें। स्वार्म याद हो गया, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में, एक स्वार्म, झुंड किसी चीज का पूरा दल। बैटर्ड घायल, चोटिल, एडजेक्टिव के रूप में। वेस्ट आप जानते हैं। अग्रेरियन कृषि, आई ए एन जिस शब्दों में लगा हो वो शब्द भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो अग्रेरियन मीन्स कृषि। मर्डिंग अर्थात लूटपाट करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले के सेंस में। क्वाइटश मरण या मौत के सेंस में यूज होता है, बट यहां पे शांत हो जाने, गायब हो जाने के सेंस में है। आर्केन सीक्रेट यानी गोपनीय, रहस्यपूर्ण। प्रोविजन कोई प्रावधान, लेकिन मैंने बताया था प्रोविजन वो स्थान भी होता है जहां पे आपको आपकी नेसेसरी की चीजें, यानी जो चीजें आपके खाने पीने की होती है वहां मिलती हैं।
अबाइड बाई कई बार पढ़ चुके हैं, अबाइड बाई किसी नियम किसी कानून का पालन करना, पेस्टिलेंस महामारी छोटे स्तर पे, मेट्रोलॉजिस्ट मौसम विज्ञानी, लोकस्ट टिड्डी, साइक्लोन कोई हरिकेन कोई तूफान, बर्जनिंग विकसित होता हुआ बढ़ता हुआ, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बेन अभिशाप नाश करने का कार्य जो होता हो, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य लक्ष्य, बिल्ड अप धीरे धीरे इकट्ठा होते जाना बनते जाना, लेजिस्लेशन कोई नियम कोई कानून, वेयर बाय जिससे या जिसके द्वारा, एंटीक्वेटेड प्राचीन पुराना, एलिमिनेटेड जो नष्ट कर दिया गया हो, फॉल शॉर्ट कम पड़ जाना, डायमेंशन जानते होंगे ये डायमेंशन हमारे जो कमरे वगैरह में डायमेंशन होती है वो डायमेंशन, डिकेड्स दशक को कहते हैं, कहीं भी डी ए सी लगा है इससे नॉर्मली 10 का सेंस आता है, थ्रेटन थ्रेट में ई एन जोड़कर वर्ब बना दिया गया, चुनौती देना खतरा बन जाना, टैकलिंग टैकल में आई एन जी है टैकल में संभालना, अपसर्जेस इकट्ठा होने का कार्य या हमले के सेंस में राइज के सेंस में, टेस्टिमनी कोई प्रूफ कोई प्रमाण, पेस्सो जो ये कानून के रूप में था, कॉल अपान आवाहन करना बुलाना, ब्लाइट्स मीन्स कोई चीज जो नुकसान पहुंचाए हानिकारक हो, ब्रीडिंग उत्पन्न होने का कार्य, इक्वेटोरियल भूमध्य रेखी इक्वेटर से सद बनाए किससे बनाए इक्वेटर से, डिजास्टर विपत्ति आपदा, लर्क घात में रहना छिप कर बैठना, एम्पलीफाई बढ़ा देना साउंड वगैरह के सेंस में यूज करते हैं, आउटब्रेक्स शुरुआत फैलने का कार्य, ब्रीडिंग उत्पन्न होना, डिवास्टेटिंग विनाशकारी जो एनिहेलेटरी हो एलिमिनेटिंग हो मीन डिस्ट्रक्टिव हो, नॉक्सस वीड्स ये भी उन कानून का एक अंग था, वैसे नॉक्सस समझते होंगे जो जहरीले के सेंस में गलत तरीके की चीजों के लिए यूज करते हैं, रेंडर पढ़ा था आपने प्रदान करना, प्लेग जानते होंगे महामारी होती क्षय रोग के सेंस में, फॉल आउट किसी बुरी चीज का परिणाम बुरी घटना का परिणाम, डीपोल द्विध्रुव, फ्लिप नॉर्मली किसी गलती के सेंस में से फ्लिप किसी हर्ल करना भी होता है, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, फोरकास्ट भविष्यवाणियां, कंडियोशिप काम आएगा ये वर्ड आपको, अनुकूल, फॉलीज मूर्खताएं गलतियां, इक्विटेबल न्याय संगत, सस्टेनेबल जिसे सस्टेन किया जा सके बनाए रखा जा सके मेंटेन किया जा सके, प्रीसिपिटेटेड वैसे प्रीसिपिटेट मीन्स होता है किसी चीज को वेग के साथ मारना फेंकना, लेकिन यहां प्रीसिपिटेट इसे टूरल में उत्पन्न उपजाने के सेंस में था, हाल्ट रोकना विराम लगा देना, पैराडॉक्सिकली विडंबनापूर्ण तरीके से विरोधाभासी तरीके से, ये डिस्परेट डी आई एस अगर डिस्परेट असमान अलग अलग, और ट्रांसेंड परे हो जाना किसी सीमा से परे हो जाना, ठीक है बच्चों, और ये सारे वर्ड बच्चों मैं देता हूं ताकि आप तैयार करें, लेकिन ध्यान रखें तभी तैयार होंगे जब आप इनको लाइफ का एक पार्ट बनाएं, बोले इन्हें इन्हें ऐसा लगे जैसे आपके अपने शब्द हैं, तो एक दिन शब्द भी आपके अपने हो जाएंगे, ये वर्ड्स मैंने जो आपको दिए, और ताकि आप इन वर्ड्स को हिंदी में भी यूज करना चाहें तो आप यूज कर लें, ठीक है बच्चों, आप सारे बच्चे सपोर्ट जैसा कर रहे हैं बच्चों, ये काबिल तारीफ है, लेकिन और बेहतर करें बच्चों, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताते जाएं, कल का जो रिस्पांस था बच्चों का बहुत पॉजिटिव दिखा मुझे, धीरे धीरे अगर ऐसे आप करते हैं मुझे भी खुशी होगी, मेरी मेहनत जो है अधिक से अधिक बच्चों तक क्या हो रही है पहुंच रही है, और आप अधिक से अधिक शेयर करते जाएं, कमेंट करें अपना बताएं, जो गलतियां हों उन्हें समझाने की कोशिश करें, और जो अच्छाइयाँ हों उन्हें इनक्रेज करने की कोशिश करें बच्चों, मैं जानता हूं कुछ चीज़ें हो सकता है आप मेरे सेटिस्फाइड ना होते हैं, लेकिन इस दुनिया में किससे आप संपूर्ण सेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्या भगवान से आप संपूर्ण सेटिस्फाइड हो सकते हैं बच्चों, कभी नहीं, जो पॉजिटिव है वो ले मेरा मीन्स, जो अच्छी चीज़ें सीखें, वर्ड पावर तैयार करें, ग्रामर का स्ट्रक्चर तैयार करें, मैं क्या ले रहा हूँ आपका सोच देखें, समय तो ले रहा हूँ लेकिन इसका फायदा क्या है आपको, क्या आपकी वर्ड पावर अच्छी हो रही है, स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर रहा है, कब हम एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, इससे कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह में आगे क्लोज टेस्ट वगैरह में आपको बहुत धीरे धीरे फायदा होगा, यदि रेगुलर आप क्या करते जाएंगे
पढ़ते जाएं। ठीक है बच्चों, तो आपके सपोर्ट की मैं हमेशा उम्मीद रखता हूं, विश्वास करता हूं कि आप इसी तरह इसे बनाए रखें ताकि आगे हम और बेहतर कर सकें। ठीक है, हमेशा खुश रहें आप। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।